देवरी में रानी दुर्गावती रिजर्व टाइगर फॉरेस्ट के विस्थापन पैकेज में कट ऑफ डेट बढ़ाने को लेकर 7,30,000 रुपए कलेक्टर और डीएफओ कार्यालय के नाम पर एंठने का मामला प्रकाश में आया है। रानी दुर्गावती रिजर्व फॉरेस्ट में विस्थापन की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। विस्थापन सूची में नौरादेही रेंज के अंतर्गत जोगीपुरा बीट के अंतर्गत जोगीपुरा और खमरा पठार के करीब 24 गरीब आदिवासी विस्थापित लोगों से एक वर्ष पूर्व 7,30,000 एकत्रित करके बड़ी चालाकी से एंठ लिए गए हैं, जिसमें ग्रामीणों ने जोगीपुरा बीट के वनरक्षक पुरुषोत्तम साहू की मिली भगत का आरोप लगाया है। खमरा पठार के ग्रामीणों द्वारा जो विस्थापित हो चुके हैं उनके बारे एक शिकायत प्राप्त हुई है कि कट ऑफ डेट विस्थापन की कट ऑफ डेट बढ़ाने के लिए हम लोगों से कुछ लोगों से 25-30 लोगों से 21,000 रुपये लिए हैं। उसमें नाम आ रहा है हमारे वन रक्षक का, उसके जांच के लिए इन सब लोग को यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि अभी ये लोग कोई ठोस आधार दे नहीं पाए हैं जिसके आधार पर अपन लोग आगे बढ़ सकें। हम लोग इनका भी बयान लेट करा रहे हैं, संयुक्त बयान, उसके बाद वरिष्ठों को निर्देश के अनुसार हम कार्रवाई करें। अच्छा, इन ग्रामीणों का विस्थापित लोगों का कहना है कि आपके वन रक्षक की मिली भगत से ये सब हुआ है, वही शिकायत है उनकी। हाँ, तो उसी के मतलब उनके आरोप के पुष्टि के हेतु हमने कोई प्रमाण मांगा है, कुछ सबूत साक्ष्य कुछ भी हो हमको दे दें तो हम आगे कार्रवाई कर पाए, तो अभी तक प्रमाण नहीं दे पाए तो उसकी जाँच हेतु हम लोग अभी संयुक्त बयान ले रहे हैं। क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं अभी तो संयुक्त बयान लेंगे, उसका जो वरिष्ठ लोग निर्देश देंगे वरिष्ठ अधिकारी उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक, धन्यवाद। कौन से गांव से? जोगीपुरा से। क्या हो गया आज आप लोग आए हुए यहाँ? पैसों की कौन ने कही थी पैसे देने? पैसा सफल जाओगे का नाम कहाँ से आ रहा है? क्या समस्या आ रही? क्या नाम जुड़वाने के लिए कितना पैसा दिया, किसको दिया? हमारे नाम जुड़वाने के लिए इसका लगा है गाँव में। जब से आवेदन लगा रहा है, फिर आवेदन लगावे के बाद में कई तुमने सुंदर से भाई बात से पाई डाल दी अल्लाह की 30,000 चल रहा है कई दिया को कलेक्टर होने हैं उसे ठीक है, जब भाई डाल दे रहे हैं तो ठीक है अपन दे दीजिए। हम लोग गए उधर, कब गए थे, कितने साल से? 1 साल के। अच्छा, कौन तारीख में गए थे अपन? 27 तारीख। लुआ नहीं गए कोई, हम और ही गए सिपाही दाऊ से वही बात जी कर लाए कि तुम जाओ सागर, उतने आदमी मिले बाबू से, तुम बाबू को पैसा दीजिए बिजनेस कब करवा दे। हमारे पहुँचे कलेक्टेड, उधर पहुँचे से जी आए, जी लगाए थे मार्क्स लगाए थे, चल रहे थे तुम्हारे 4 लोग चलो, मेरे 4 लोग कार सब्जी पर ही धन दे, 4 जने गाड़ी से हमारे घर हमारे बंगला के मैंने दिया को बंगला के नीचे हमारे खड़े हो गए, ये लोग चलेगा ऐसे फिर होते ऐसे दिया है कहना है काम होगा तो घर चल। क्या नाम है उनको जो आपको लुवा ले रहे हैं? सफाई पर पहुँचाओ तो जो हमने जो उनके संगे आप गए थे जो उनसे पहुँचाओ जिसे कहा ना उनको और जो उनके साथ गया था जिसने पैसे लिए वो मास्क लगाया था उसका क्या नाम? नाम पता नहीं। तो कौन के रिलेटेड? तो डीएफओ ऑफिस से गए तो कलेक्टर कार्यालय से, डीएफओ ऑफिस से गए तो कर्मचारी का कलेक्टर कार्यालय से।
हमने कलेक्टर ठाड़ी गए थे जीप कुत्ते गाँव से, इनसे बात भाई सिपाही गाँव से गल हम आदमी पहुँचा रहा है और तुम्हारे उसमें पैसे दे दीजिए। हाँ अरे बात भाई जी, तो आपको नाम नहीं बताई सामने वाले, तो मैं आपको कुछ शक है मतलब जो लग रहा हो गए हैं तो तुमसे आपने पैसा लगा तो नाम पता नहीं है आपको? नाम पता नहीं है, अबे पूछ ले का नाम कटार और जो भी प्रागे विस्थापित परिवारों ने आरोप लगाए तो कट ऑफ डेट बढ़ाने के लिए आपके माध्यम से 7.5 लाख रुपए इकट्ठे करके भेजे गए। नहीं ये गलत, तो सही क्या है? हमको नहीं मालूम। गांव के लोगों का आरोप है कि आपने नंबर दिया और आपने भिजवाया सागर कलेक्टर का, नहीं भिजवाया ना इस संबंध में कोई बात गाँव के लोगों नहीं मालूम है। फिर पे लिस्ट ले आए थे हमारे पास में, तो उनने बोला तो क्या जी कट आउट डेट बढ़वाना, तो आप लिस्ट ले लीजिए। हमने कहा भैया आप सागर चले जाएं और यहाँ पे चले जाएं। आपने बताया थी कि सागर चले जाएं? हाँ बताया कलेक्टर कार्यालय में। नहीं लिस्ट लिस्ट देने की, फोन नंबर, फोन नंबर भी दिलाया था आप? नहीं फोन नंबर हमें कोई बात नहीं। अच्छा सब लोग आरोप कहीं लगा रहे हैं, अब वो आरोप लगाए कुछ नहीं बोल सकते, बोलने में क्या, कुछ नहीं बोल सकते बोलने में क्या। चलो ठीक।